In previous class, we discussed about properties of whole number. There are two types of properties: closure property, associative property, commutative property, and additive property of zero. Now, today we will discuss about related questions related to that properties. Your first question is: fill in the blanks. यहाँ आपको question given है. Fill in the blanks. Your first question is +25 + 3,451 = blank. One blank given है आपको +25,000. 25. Okay. Now solve that. अब students, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, इसको हम यहाँ अप्लाई करके देखेंगे. दिस वन इज दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमें यहाँ पर ये बता रही है कि इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए बोथ आर इक्वल, तो इट्स अ कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी. हमारी कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या था कि हम a प्लस बी यानी किसी भी नंबर को टू नंबर्स को प्लस करें और उनको यदि इनका ग्रुप चेंज कर दें और अगेन प्लस करें तो बोथ आंसर इज सेम. तो दोनों ही आंसर हमारे क्या आएंगे, सेम आएंगे. तो नाउ यहाँ हमारा a है 25 प्लस बी हमने किया 3,451. नाउ अगेन b, तो इस ब्लैंक में वापस कौन सा नंबर आना चाहिए, यही नंबर आपको यहाँ रिपीट होना चाहिए. इसको हम सॉल्व करके देखेंगे, इट इज करेक्ट और नॉट. तो स्टूडेंट अभी हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, एक्स, बिकॉज ये हमें गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड करना है, तो इसे हमने क्या मान लिया, एक्स. ओके, नाउ एड ऑल दीज नंबर्स. व्हाट इज द नंबर्स, 25 + 3,451. इन दोनों नंबर्स को आप प्लस कर लीजिए, 5 + 1 = 6, 7 and 4 = 3. तो ये आपका फर्स्ट नंबर आ गया है 3,476 = x + 25. अभी हमें ये नंबर पता नहीं है, इसे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ x. हम जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो स्टूडेंट्स एक्स का इज इक्वल टू के इधर वाली वैल्यू ट्रांसपेरेंट होगी तो आ जाएगा 3,476. ये प्लस है जब इसमें चेंज होगा माइनस. ठीक है, जब हम ट्रांसपेरेंस कर रहे हैं इसको तो प्लस इसमें चेंज हो जाएगा माइनस में. नाउ एक्स फाइंड करेंगे हम 3,476 - 25 को माइनस करेंगे, 6 - 5 = 1, 7 - 2 = 5, 4 and 3. नाउ योर आंसर इज 3,451. तो इस एक्स वाले कॉलम में क्या आएगा, यहाँ हम फील करेंगे 3,451. ठीक है, इट्स योर आंसर. सेकेंड है आपका 4,067 + blank = 4,067. यहाँ आपको ये बता रहा है कि 4,067 में ऐसा कौन सा नंबर आप ऐड करेंगे कि अगेन आपको यही नंबर मिल जाएगा. तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. ये हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी है रिलेटेड टू जीरो, जो हमें बताती है कि किसी भी नंबर में जीरो को प्लस करने पर वापस वही आंसर हमारा होगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, वही आंसर आएगा. तो स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे, लेट बी एक्स, इसको हम क्या मान लेते हैं, अभी एक्स मान लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए. सो 4,067 + x = 4,067. ठीक है, हमें यहाँ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है. नाउ x = 4,067
67 और ये प्लस का है तो किसका बन जाएगा माइनस का 4067 और 4067 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा जीरो इज द आंसर. इट मीन्स हमने इसमें जीरो को प्लस किया होगा तभी हमें ये नंबर मिला होगा. अंडरस्टूड. नेक्स्ट आपको गिवन है 2735 प्लस जीरो. स्टूडेंट 2735 में जब आप जीरो को प्लस करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा सेम नंबर आपका आंसर होगा. तो यू राइट हियर 2735. ओके इट्स योर आंसर. ब्लैंक में क्या आएगा जब हम किसी भी नंबर में जीरो को प्लस करते हैं तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो है तो अगेन हमें वही नंबर आंसर में मिलेगा. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज 327 प्लस 542 प्लस 178 इज इक्वल टू. क्या ये भी इसके बराबर होगा तो ये हमारा क्या बनता है लाइक ए प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी. जब हमने इसको इज इक्वल टू में सॉल्व करेंगे यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी इज इक्वल टू ये क्या बनेगा ए प्लस ब्रैकेट B प्लस सी. तो यहाँ भी वही नंबर होंगे तब ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे. तो यहाँ A आपको क्या गिवन है 327 तो इस ब्लैंक में भी क्या आ जाएगा हमारा 327 प्लस B आपको गिवन है B यहाँ भी गिवन है आपको 542. नाउ व्हाट इज C. जब यहाँ C 178 है तो यहाँ भी C क्या होगा आपका 178 ही होगा. जब यहाँ पर दोनों गिवन नंबर्स सेम होंगे तभी हम बोल सकते हैं बोथ आर इक्वल. अंडरस्टूड. तो हम इन ब्लैंक्स को कैसे सॉल्व करेंगे आप ए प्लस बी प्लस सी कर दीजिए यानी तीन नंबर आपको यहाँ गिवन है तो हमने ए वाले नंबर को एज इट इज इस ब्लैंक में फिल कर दिया. बी हमें गिवन था एज इट इज राइट कर दिया. सी वाला ब्लैंक जो यहाँ है वही यहाँ पर भी आएगा तभी ये दोनों नंबर्स कैसे होंगे इक्वल होंगे. अंडरस्टूड. जब इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे आंसर्स क्या आएंगे सेम आएंगे. सो इट्स नोन एज विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी है ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. द सम ऑफ एनी थ्री ऑल नंबर्स रिमेन अनचेंज्ड. क्या होते हैं इनके जब हम किसी भी होल नंबर्स के सम फाइंड करेंगे तो कैसे होंगे अनचेंज्ड होंगे बोथ आर इक्वल होंगे. अंडरस्टूड. Your next is determine the sums by suitable rearrangement. यहाँ पे आपको sum find करना है और properties कैसी होनी चाहिए suitable rearrange करते हुए आपको उनका sum find करना है numbers को plus करना है. Now what is suitable rearrangement? Suitable rearrangement means regrouping the terms to get zero at ones place. Then tens place and so on. So possible pairs would be. यहाँ पर आपको ऐसे numbers मिलेंगे जिनको add करने पे या तो उनका ones वाले place में zero आ जाएगा या फिर उनके tens वाले place में zero आएगा या फिर उनके hundred वाले place में zero आएगा. तो easily हम उन numbers को क्या कर सकते हैं arrange करके और plus कर सकते हैं. Just like first three digit number given है 423 and the last three digit number is 787. तो student यहाँ ones पे क्या लिखा है 3 और इसके ones पे क्या लिखा है 7. अब हम 7 plus 3 को add करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 10. तो 10 यहाँ पर क्या मिल रही है हमें एक कैसी digit मिल रही है जिसमें क्या आ रहा है 0 आ रहा है. ठीक है तो हम सबसे पहले इन दोनों numbers को arrange करेंगे. Then suitable rearrangement of the numbers suitable rearrangement of numbers is equal to क्या बनेगा suitable rearrangement. Now 423 प्लस अब हम 423 में किसको प्लस कर देंगे 787 को. ठीक है तो इन दोनों का सुटेबल रीअरेंजमेंट क्या आ जाएगा इन दोनों नंबर्स को आप प्लस करके देखें इन ब्रैकेट
10 और 10 का वंस वाला प्लेस क्या है 0, तो इजीली हम इसको प्लस कर सकते हैं। इसका बन जाएगा 3564 प्लस 2046। ये हम स्टेप्स क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम इजी गोइंग नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। एड बोथ दीज नंबर्स 423 प्लस 787, 7 3 10 कैरीज 1, 11 कैरीज 1 देन 12, तो क्या आ गया हमारा इसका सम 1210 प्लस। नेक्स्ट नंबर्स है आपके 3564 प्लस किया इसमें हमने 2046 को, 6 4 10 कैरीज 1, 6 5 11 कैरीज 1, 5 6 and 5, ये भी आपका क्या आ गया 5610। हम बिल्कुल इजीली इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब दोनों ही नंबर से आपको ऐड करने हैं ना, 5610 फिर 1210, तो इजीली हम इन नंबर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। व्हाट इज द आंसर, योर आंसर इज 6820। इट्स नोन एज सुटेबल रीअरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स को हम रीअरेंज करते हुए क्या फाइंड कर रहे हैं, इसका सम फाइंड कर रहे हैं। देखिए ना, नेक्स्ट है 625 + 7235 + 1607 & 707। अब यहाँ सुटेबल रीअरेंजमेंट करना है, तो किसी भी दो नंबर को प्लस करके देख लो आप, यदि वो जीरो होता है तो हम फर्स्ट में उसको रीअरेंज करेंगे, जैसे 5 + 5 = 10। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना इजी है। 625 में आपने 1605 को प्लस कर लिया फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड 3 और 7 = 10, तो सेकेंड ग्रुप में आएगा 7213 + 707। इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे हम, 1605 + 625 5 + 5 = 10 1 3 12 कैरीज 1 और 2, तो इसका आ गया हमारे पास 2230 प्लस, इसमें किसको प्लस करना है 7213 + 707 7 3 10 कैरीज 1 2 9 और 7, दिस वन इज 7920। इन दोनों नंबर्स को भी प्लस कर लेंगे हम, क्या गिवन है 7920 + 2230 0 5 11 1 and 10। व्हाट इज द आंसर, 10150। ओके, सो स्टूडेंट्स, दीज टर्म्स नोन एज सुटेबल रीअरेंजमेंट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। अंडरस्टूड, नाउ यू शुड प्रैक्टिस एट होम रिमेनिंग क्वेश्चंस, एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।